मिट्टी, गमला और फर्टिलाइज़र, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है पुदीने के पौधे को अपने किचन गार्डन में ग्रो करने के लिए। आप काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बस आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखना होगा और इसके लिए आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुदीने के पौधे को उगाने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो पुदीने की कटिंग, जो कि सब्जियों के दुकान पे काफ़ी आसानी से मिल जाती है। दूसरा है पानी, जिसमें हम पौधों को ग्रो करेंगे और वो भी काफ़ी लंबे समय तक। जो भी ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आपको वीडियो में आगे मिलता जाएगा। और तीसरी ज़रूरी चीज़ है डब्बे। गाइस, आप कोई भी डब्बा, जैसे कि मशरूम के साथ हमारे घर में डब्बे आते हैं, दही का डब्बा है ये जिसे मैं यूज़ करने वाली हूँ, इस तरह के कोई भी डब्बे को रीयूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटा दही का डब्बा है जिसके बॉटम को मैंने काट कर हटा दिया है, उसकी इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत नहीं है। और ये जो दो अलग अलग डब्बे हैं, एक को हम पानी स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे और एक को हम कटिंग लगाने के लिए यूज़ करेंगे। जिसे हम कटिंग लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें कुछ होल्स करने होंगे, कुछ इस तरीके से। डब्बा तैयार है और आप देख सकते हैं मैंने इसमें कई सारे होल्स किए हैं। अब इन सारे होल्स में हम कटिंग को पिरो देंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कटिंग को डालें तो कटिंग का जो नीचे वाला लीफ है ना, वो सब हटा दीजिए, जिससे कि नीचे पानी जब हम डालेंगे तो उसमें कोई भी लीफ ना रहे, नहीं तो लीव्स गलने लगते हैं और वो पानी को गंदा करेंगे। लगभग आधा हो गया है और मैं आपको अब डब्बे के नीचे दिखाती हूँ। कुछ कटिंग के लंबे ब्रांचेस नीचे हैं, इन्हें हम काट के बराबर कर लेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप, कटिंग का कम से कम एक या दो नोड डब्बे के नीचे होना चाहिए। नोड कहने का मतलब है कटिंग का वो सारा हिस्सा जहाँ से पत्ते या ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं, यहीं से जड़ भी निकलते हैं। सारे होल्स में हमने कटिंग डाल दिया। अब जो नीचे का पोर्शन है उस पर एक या दो नोड को छोड़ के बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसे हम हटा देंगे, और कोई भी लीफ अगर आपको दिख रहा हो नीचे की तरफ तो उसे भी आप हटा दीजिए। अब बस आधे कटे हुए डब्बे को डाल दीजिए खाली डब्बे में, इसके ऊपर हम रख देंगे कटिंग लगा हुआ डब्बा। फाइनली पानी डाल दीजिए और इस अरेंजमेंट को आप किसी भी ब्राइट लोकेशन पर रख सकते हैं। अगर आपकी किचन की खिड़की पे सुबह में थोड़ी धूप आ जाती है और दिन भर ब्राइट रहता है तो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। कटिंग लगाए हुए 6 दिन हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसमें रूट्स भी आने लगे हैं। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे और 6 दिन बाद। कटिंग्स लगाए हुए 12 दिन हो गए और कटिंग अब ऊपर से भी ग्रो होने लगा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है। चलिए मैं आपको इसकी रूट ग्रोथ भी दिखाती हूँ। गाइस, अब आपको यहाँ पे एक काम करना है जिससे कि हर बार आपको बहुत सारा पुदीना हार्वेस्ट करने को मिले। इसी स्टेज में आपको प्रून करना है, ऊपर की टिप को हटा देना है जिससे कि बहुत सारे ब्रांच नीचे से ही ग्रो हो और आप हर बार बहुत सारा पुदीना हार्वेस्ट कर सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पुदीना ऐसे ही पानी में ग्रो होता रहेगा या मिट्टी में शिफ्ट करना होगा। आप कितने भी टाइम तक पुदीना को ऐसे पानी में उगा सकते हैं, बस आप 3 दिन में पानी ज़रूर चेंज कर दिया करिए अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो। पानी चेंज कर देने से पानी में फ्रेश न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे जिससे पुदीने का पौधा यूज़ करेगा और ग्रो होगा। गाइस, अगर आप इतनी जल्दी जल्दी पानी चेंज नहीं करना चाहते और फर्टिलाइज़र के साथ कंफर्टेबल हैं तो आपके पास सॉलिड वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र का ऑप्शन है। ये 30-10-10 NPK रेशियो वाला फर्टिलाइज़र है जिसमें एडेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं।
हर 15 दिन में आपको बस इसका एक पिंच यूज़ करना है, या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको कॉम्बिनेशन में यूज़ करना पड़ेगा। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है और ये वाला है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, और नाइट्रोजन का रेशियो ज़्यादा है। दोनों का एक एक ड्रॉप आप पानी में डाल दीजिए हर 15 दिन के इंटरवल पे, पानी चेंज करने के साथ साथ। और ये रहा आपके सामने 24 डेज बाद का रिजल्ट। एक बार रूट आने के बाद पौधे की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाती है। या तो आप पानी चेंज करते रहिए हर 3-4 दिन में, या फिर हर 15 दिन के इंटरवल पे पानी चेंज करके फर्टिलाइज़र यूज़ करिए। बस आप कितने भी दिनों तक इन पौधों को पानी में अपने किचन विंडो पे या किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। गाइस, पुदीने को आसानी से ग्रो करने का तरीका तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी कोशिश करें, उगाएं और अपना एक्सपीरियंस मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपना सक्सेस मेरे साथ मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति इज गार्डन, साइनिंग ऑफ।